देखिए, जब चांचले को यहाँ पर प्रवेश हुआ था तब ये अनुष्ठान की डेट फाइनल हो गई थी। सर्वप्रीति अमावस्या 25 सितंबर 2022। हम देखते हैं विश्व के अंदर या देश के अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र देखो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र देखो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र देखो या सामाजिक क्षेत्र देखो। अगर देश के अंदर शांति को कायम रखना है, देश में सुख और अमन चैन को स्थापित करना है, उसके लिए बाहर के तीर्थंकर परमात्मा ऋषि देवी की आराधना, जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, और 23वें तीर्थंकर परमात्मा उपासना, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जिनकी कुंडली के अंदर कैंसर योग होता है, पितृ दोष होता है, नारायण नागपरी होती है, तो उज्जैन जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर, कालहस्ती जाकर इन ग्रहों की शांति की जाती है। हम चाहते हैं कि शांति के लिए लोग हिंदुस्तान के कई मंदिरों में जहाँ पर जाकर शांति की तलाश करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं शांति हमारी आत्मा के अंदर है, मंत्रों की ध्वनि से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर होम किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, और वहां पर पंडित आहुति दिलवाता है और हम आहुति देते हैं। जैन धर्म कहता है जिसने जो कर्म बांधे हैं उस कर्म का भुगतान उसे ही करना है। यह राहु की दशा 18 वर्ष की है, केतु की दशा 7 वर्ष की है, तो राहु के लिए वैदिक धर्म के अंदर राहु का मंत्र होता है और केतु के लिए पार्श्वनाथ का मंत्र जैन धर्म के अंदर होता है। जैन धर्म के अंदर राहु का मंत्र 18 वर्ष की राहु की दशा होती है, इसलिए ओम ह्रीम श्रीम अरिष्टनेमि नाथाय नमः की 180 माला होगी, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की है और केतु की दशा 7 वर्ष की, उसके लिए ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः उसकी 100 माला होगी। यह अनुष्ठान 24 घंटे तक होगा और 24 घंटे के दरमियान वहां पर स्पॉन्सर के अलावा, लाभार्थी परिवार के अलावा वहां पर सारी व्यवस्थाएं, जो भी इस शिविर के अंदर भाग लेंगे उनकी सारी व्यवस्था रखी गई। माला के दरमियान व्यक्ति कुछ समय के लिए दुखों से छुटकारा पाएगा, कुछ समय के लिए उसे पारिवारिक शांति मिलेगी, कुछ समय के लिए उसे आर्थिक शांति मिलेगी। अगर वो चाहे, अगर मन में संकल्प ले ले तो दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकता है, मात्र उसकी संकल्प शक्ति चाहिए। कितने समय तक अनुष्ठान चलेगा? देखिए, तारीख 25 सितंबर है और सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन श्राद्ध की पूर्णा होती है। कहते हैं कि अमावस के दिन अनुष्ठान करने से रीत से, अमावस के दिन पूजा करने से लिए हमारे कर्मों की निद्रा होती है और ये 24 घंटे तक चलेगा, अखंड चलेगा। कम से कम इसमें 3000 लोग सम्मिलित होंगे और वो परमात्मा की भक्ति करेंगे। अनुष्ठान के अंदर एक तो पवित्रता का ध्यान रखना है, काली वस्त्रों का निषेध है, चमड़े की वस्तुओं का निषेध है और समय की अपनी मर्यादा है। ठीक सुबह 6 बजे अनुष्ठान स्थल पर जो लाभार्थी द्वारा अनुष्ठान के लिए जैसे माला है, पार्श्वनाथ का यंत्र है, चांदी का यंत्र है, तांबे का यंत्र है, बुक्स है, वो 6 बजे से 6:30 बजे तक दी जाएगी। उसके पश्चात 7 बजे कलश की स्थापना होगी। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रथम कलश की स्थापना करेंगे। उसके पश्चात जो हमारे मुख्य लाभार्थी होंगे, पारस जी चोरड़िया, हमारे संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष नेमीचंद जी धाकर, ट्रेजरर हमारे लक्ष्मीचंद सा, महामंत्री महावीर जी और सहयोगी भाई प्रकाश जी, ऐसे हिंदुस्तान के कई कोने से लोग इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे और 24 घंटे तक कंटिन्यू ये अनुष्ठान चलेगा।
पहले बैठी होगी, उसके बाद संकल्प लिया जाएगा और संकल्पों के समय हर व्यक्ति को जो इस पूजा में सम्मिलित हो रहा है उस व्यक्ति को संकल्प के अंदर सम्मिलित होना आवश्यक है। जिस प्रकार आपके घर के अंदर अगर कोई होम होता है, हवन होता है, तो आप परिवार के सदस्य उस टाइम पर मौजूद होते हैं, बाकी के सदस्य हवन होने के बाद प्रसादी लेने आते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पूजा है, ये एक ऐसी आहुति है कि जिसके अंदर व्यक्ति के कर्मों की निद्रा होती है और 24 घंटे के पश्चात 26 तारीख को सुबह ठीक 7 बजे इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी, फिर संकल्प लिया जाएगा और संकल्प के पश्चात व्यक्ति जो यंत्र देंगे वो यंत्र अपने घर पर लेकर जाएगा और रिद्धि सिद्धि समृद्धि को प्राप्त करेगा। देखिए अभी हमारे जो समाज की व्यवस्था, राष्ट्रीय महामंगलकारी अनुष्ठान समिति की व्यवस्था और मेवाड़ भवन गोरेगांव की व्यवस्थाओं में सारी अनुष्ठान की बुकिंग हो चुकी है। अब हम लोगों के पास जगह नहीं है कि हम लोग किसी को रजिस्ट्रेशन दे सके और उसमें बिठा सके। कम 3,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, दर्शक तो बहुत कम रहेंगे क्योंकि वहां पर स्थान जितना बड़ा हो उतना सेवा देने वाले कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स ये सब मिलाकर 3,500 से 4,000 लोग सम्मिलित होंगे। देखिए हम ये चाहते हैं कि आज इस तनाव भरे युग के अंदर, मोबाइल के युग में, लैपटॉप के युग में, कंप्यूटर के युग में हर व्यक्ति दिन भर अपने तनाव के अंदर रहता है, काश वो 24 घंटे के लिए इस शिविर के अंदर आकर अपने तनाव से कम मुक्ति पाएगा, उसे कुछ तो शारीरिक शांति मिलेगी, पारिवारिक शांति मिलेगी और उसके जो प्रैक्टिकल काफी उदाहरण है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि समय का अभाव होता है। काफी लोगों को इससे शांति मिली है, राहत मिली है और काफी लोगों को लगा है कि मुझे शरीर में आधी व्याधि काफी लोगों की कम हुई है। तो लोग चाहते हैं कि इसमें सम्मिलित होकर अपने मन को पवित्र करें, अपने शरीर को पवित्र करें और परमात्मा की भक्ति में डूबके रहें। एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश के अंदर शांति स्थापित कैसे की जाए। देश के अंदर जो हिंसाएं हो रही हैं, अभी सुना है कि राजस्थान के अंदर कोई कोविड गायों को हो चुका है और काफी गौ माताएं वहां पर बेमौत मारी जा रही। हम चाहते हैं कि मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से उन गायों को हम साता दे सके, उन गायों को शरीरों के कष्ट को कम कर सके ताकि ये मंत्र की ध्वनि गौ माता तक भी हमारी पहुंचे। ये आप धन की पूजा दिवाली के दिन करते हैं, दीपावली की अमावस्या के दिन, और ये 16 श्राद्ध में से हमने अमावस को इसलिए लिया है कि अमावस के दिन लोग दान देना बहुत पसंद करते हैं। अमावस के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ये अमावस के दिन जिसके घर में पितृदोष होता है, कहते हैं पितृदोष यानी अकस्मातिक मौत हो जाना, एक्सीडेंटल, कच्ची उम्र में जाना, आत्महत्या करना, ये सारे पितृदोष के प्रकार होते हैं। तो अमावस के दिन ये हम लोग उपासना या आराधना या अनुष्ठान करते हैं कि जिससे पितर को भी शांति मिलती है और उस आराधना का अनंत अनंत फल मिलता है। क्या तैयारियां हैं और इस महानुष्ठान का लाभ कहाँ कहाँ पर लोगों को पहुंचेगा? भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन वंदन, सभी गुरु भगवंतों को नमन वंदन, अनुष्ठान आराधिका कुमुद लता जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में नमन वंदन। आज इस मेवाड़ संघ मुंबई के अंदर पहली बार माँ मंगलकारी विश्व शांति अनुष्ठान होने जा रहा है माँ साध्वी कुमुद लता जी के सानिध्य में, जिसका नेतृत्व अनुष्ठान समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर मेवाड़ संघ पूरा सहयोग कर रहा है, पूरे काम कर रहे हैं। इस समय हमारे 25 तारीख के दिन हमारा अनुष्ठान होने जा रहा है। अभी अभी माँ साधु जी ने बताया था 6 बजे के आसपास सबको वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर आपको कुछ भी सामान लेके आना नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पर आना है, वहीं से हम आपको किट देंगे अनुष्ठान समिति द्वारा और आपको दिन भर वहाँ बैठना है और खाना पीने के साथ में रहने की व्यवस्था, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमने रेस्ट रूम बनाया हुआ, आधा घंटा एक घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम है, मेवाड़ संघ के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, निमिचंद साह ताकड़ के नेतृत्व में पूरे सभी कार्यकारिणी हमारे साथ में लगी हुई है, प्रचार मंत्री, मंत्री, व्यवस्था मंत्री एवं कोषाध्यक्ष जी लक्ष्मीलाल जी साहब वडालमिया,
और पारस जी बाफना, पारस जी चोरडिया, ऐसे कई नाम है जो इस कार्य को, और गोरेगांव संघ के हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी और उनकी पूरी टीम हमें इस कार्य को करने में सहयोग कर रही है। लगभग करीबन 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास व्हाट्सएप पे नाम आ रहे हैं कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार हमारे पास में कम से कम 4000 आदमी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिसके अंदर हमारे पास में राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, राजनेता से VIP लोग आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, राजकीय मंत्रिमंडल से काफ़ी राजनेता आ रहे हैं, राजस्थान से भी, हमारे राजस्थान की मेवाड़ की भूमि से भी हमारे लोकप्रिय सांसद, विधायक, ऐसे कई राजनेता हमारे बीच आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक नहीं, भव्य ऐतिहासिक हो और सबको, पूरे हिंदुस्तान वालों को, सबको मतलब इसकी शांति मिले। और जो देश में अभी जो गायों के ऊपर जो लंबी बीमारी चल रही है, हम चाहते हैं कि एक बीमारी उसी दिन सबकी दूर हो जाए गायों की, यही हमारा एक शुभकामना है और इसी को लेकर के हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और पूरे मेवाड़ संघ मुंबई का हमें सहयोग मिल रहा है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सबको मेवाड़ भवन नहीं आना है 25 तारीख को, डायरेक्ट जो अनुष्ठान स्थल है बांगूर कॉम्प्लेक्स गोरेगांव वेस्ट, वहीं पर आना है, वहीं पर आपको किट दिया जाएगा और आप गुमराह मत होना इस चीज़ के लिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं है। और श्रावक को बैठने के लिए अलग जगह है एक साइड में, और श्राविकाओं को अलग बैठने की जगह है, और आपको वहाँ पर सामायिक भी कर सकते हैं। बाकी आपको मोमबत्ती और किट वहाँ पर दिया जाएगा। और श्रावक और श्राविका अगर कोई पूरा नहीं कर पाए तो उसकी जगह पे दूसरा घर का मेंबर आकर के वो माला पूरी कर सकता है। कोई भी इसमें लाभ ले सकता है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करना अवश्य है। अच्छा। हम आपको वहाँ पर एंट्री नहीं है। ये जो अनुष्ठान है वो 36 कौम के लिए, इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि जैन मेंबर ही ले सकते हैं, क्योंकि संत और सड़क सबके होते हैं। इस पे पर्टिकुलर कोई एक जैन समाज का अधिकार है ऐसा कुछ नहीं है, हर धर्मावलंबी इसमें भाग ले सकते हैं। और ये अनुष्ठान संपूर्ण निःशुल्क है। यहाँ पर जितने भी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, उन लोगों की जब कुंडलियाँ देखी गई, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। हम देश का वेस्टेज खर्चा नहीं करें और समाज के वेस्टेज खर्चों से हम बचने के लिए, हर लोगों को शांति देने के लिए। और वहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हर व्यक्ति पूजा करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा, फालतू की चर्चाएं वहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, ओनली फॉर मंत्रों से कंसल्ट होगा। मंत्रों की ध्वनि से वो परमात्मा के साथ अपना साक्षात्कार करेगा। वहाँ पर कलश स्थापना भी होगी, जैसे आप लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, वहाँ पर मूर्ति नहीं होगी, सिर्फ कलश स्थापना होगी और गुरु भगवान रहे। यहाँ पर अन्नदान होता है, पिंडदान नहीं होता है।